नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस मौत का जिम्मेदार कौन? सरकार भले ही स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन कई बार जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। बाराबंकी से एक ऐसी ही शर्मनाक घटना सामने आई जिसे सरकार के बड़े बड़े दावों की पोल खोल कर रखती है। दरअसल यहाँ एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई और सरकारी व्यवस्था ने एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस खबर का पूर्ण विश्लेषण भी करेंगे। जैतपुर की सीएचसी में एक गर्भवती महिला को भर्ती कराया जाता है, जहां उसकी हालत बिगड़ने पर देर रात उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। पर काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब एम्बुलेंस नहीं आती तो महिला के परिजन निजी वाहन की तलाश शुरू कर देते हैं, पर तब तक दर्द से छटपटा रही गर्भवती महिला दम तोड़ देती है। महिला जैतपुर थाना क्षेत्र के मीनापुर मजरे मौथरी निवासी किसान मनोरथ की पत्नी थी, जिसकी उम्र महज 32 साल थी। जानकारी के मुताबिक जब महिला को सीएससी ले जाया गया था, तब वहां उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला महिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था, पर वहां मौजूदा एक महिला स्टाफ नर्स ने नॉर्मल डिलीवरी कराने का झांसा देकर महिला को वहीं रोके रखा। वहीं जब गर्भवती महिला की हालत बिगड़ने लगी तो महिला के परिजनों ने एम्बुलेंस के लिए सरकार के टोल फ्री नंबर पर कॉल किया, पर काफी देर इंतजार करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। जब दोबारा कॉल किया गया तो उधर से बताया गया कि एम्बुलेंस बस पहुंचने ही वाली है, पर फिर भी एम्बुलेंस पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। परिजनों के मुताबिक जिस एम्बुलेंस के पहुंचने के बाद कॉल सेंटर की तरफ से बताई जा रही थी, वो एम्बुलेंस सीएससी के बाहर ही खड़ी थी। परिजनों ने जब एम्बुलेंस चालक को चलने के लिए बोला तो चालक ने कहा कि गाड़ी में डीजल नहीं है, जिसके बाद परिजन निजी वाहन की तलाश में जुटे ही थे, पर तब तक गर्भवती महिला की मौत हो गई। पूरा मामला मैंने यहाँ से आशा बहू को लेकर अस्पताल पहुँचा, अस्पताल में लेके गया, वहाँ पे जो कार्य किया भर्ती लिया, और जो भर्ती लेने के बाद में वहाँ से जब सीरियस हुआ मरीज को तो वहाँ रिफर किया, हमने को रिफर करने के बाद में एम्बुलेंस 2 वहाँ पे खड़ी थी मौजूदा वजह से नू, उसने बोला, हमने कहा भाई ले चलो मेरे पेशेंट को, दिक्कत हो रही है, बोला कि मेरे गाड़ी में तेल नहीं है, एक बोला कि मैं जो है आने जा रहा हूँ मरीज, उसमें से भाग गए। मैंने 2 मोबाइल थे, डॉक्टर को बोला सबको, तो उसने कहा कि नंबर लगाओ, मोबाइल लगाओ, सब 176 सब जितने नंबर थे हमने सब डायल किया, फिर भी कोई एम्बुलेंस नहीं आई। जिसके बाद नाराज परिजनों ने सीएससी पर जमकर हंगामा काटा, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें समझाने बुझाने की काफी कोशिश की। वहीं महिला के परिजनों ने जब पूरे मामले की शिकायत सीएमओ से की तो उन्होंने वही रटे रटाए शब्द सुना दिए। क्या कुछ कहा है इन महानुभव ने, जरा आप भी सुनिए। जी हाँ, एक प्रसूता के मौत की सूचना मिली है, उसमें प्रसूता का नाम श्रीमती है, उम्र लगभग 30 साल, और पति का नाम है श्री राम मनोहर। जैसा कि बताया गया है कि ये लगभग 1:15 पर ओपीडी में आई थी और 1:45 के आसपास इनको भर्ती किया गया था डिलीवरी के लिए, लेकिन डिलीवरी में कुछ महिला चिकित्सक द्वारा देखा भी गया था, डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस उनके द्वारा बताया गया था कि दिक्कत है और उनको रेफर किया जा रहा था वहाँ से। तो शुरुआत में तो उनके पति द्वारा ये कहा गया कि आप यहीं पे रख लीजिए और चिकित्सक की देख रेख में ही थी, इन द मीन टाइम रेफर करने के साथ में एम्बुलेंस को बुलाने की बात हुई थी और एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम आई थी उनके रिस्पांस टाइम में। जैसा कि अभी बताया गया कि एम्बुलेंस में आने में जो समय लगना चाहिए लगभग रिस्पांस टाइम 15 मिनट के आसपास का, उसमें काफ़ी देरी हुई और इस बीच में मैनेजमेंट के बावजूद जो है मृतका की वहीं पर डेथ हो गई। इसमें प्रथम दृष्टया जो
सूचनाएं अभी प्राप्त हुई हैं, सूचनाएं संकलित की जा रही हैं और विस्तृत विवरण तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन प्रथम दृष्टया लग रहा है कि एम्बुलेंस के रिस्पांस टाइम में जो है पहुंचने में देरी के कारण ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो एक बहुत प्रमुख कारण है मृतका की डेथ का। वही जब ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है तो हर कोई निःशब्द रह जाता है। बस मन में एक सवाल उठता है कि क्या सरकार इन घटनाओं पर कोई संज्ञान लेगी या इसी तरह से ये घटनाएं नाम और जगह बदल बदल कर यूं ही घटती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। और इलाज के अभाव में दम तोड़ती ये तस्वीरें कोई नई नहीं है। इससे पहले भी ऐसी तमाम तस्वीरें यूपी के कई जिलों से सामने आ चुकी है। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा अपडेट देने के लिए मेरे सहयोगी बाराबंकी से रविंद्र मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र, फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है, क्या एक्शन लिया गया है? बता दूं, सरकार करोड़ों रुपए जो है इन गरीबों के लिए सुख सुविधा के लिए मुहैया कराती है, लेकिन धरातल पर वो बिल्कुल व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। वो ऐसे कर्मचारी होते हैं या डॉक्टर हो, लगातार लापरवाही करते हैं। डॉक्टरों को हर सुविधा दी जाती है कि हर गरीब आने वाला जो भी यहाँ पर चेसी पर आता है उनको हर अच्छी से अच्छी सुविधा मुहैया कराई जाए, इसके लिए सरकार करोड़ों रुपये खर्च करती है। लेकिन जो ये जैतपुर चेसी से मामला सामने आया है, यह बिल्कुल सरकार की मनसा पर पानी फेर रहा है। यहाँ की एक 30 वर्षीय गरीब परिवार की एक महिला डिलीवरी के लिए आती है और उसको देखा जाता है, काफी देर तक उसको सीएससी में रखा जाता है। रखने के बाद उसे केवल गंभीर हालत बताकर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। लेकिन गरीब परिवार है, उसके पास इतनी जानकारी भी नहीं है, जितनी जानकारी थी उतनी उसने जो है की और एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन लगातार एम्बुलेंस अस्पताल पे खड़ी रही जी। लेकिन लगातार उनसे डायरेक्ट संपर्क करने के बाद भी वो डीजल की बात, कहीं की समस्या की बात, इवेंट की बात बताते रहे, लेकिन उनकी मदद करने के लिए वहां पर मौजूद किसी ने नहीं सोचा कि गरीब परिवार है, महिला की मौत भी हो सकती है, वो दर्द से तड़प रही है सीएससी पर। इसी को लेकर जब एम्बुलेंस नहीं आई तो इस गरीब परिवार ने प्राइवेट गाड़ी की व्यवस्था करने की सोची। उसके लिए वो कस्बे में गए, कई लोगों से संपर्क किया, लेकिन वो भी गाड़ी नहीं मिल पाई। इसी दौरान इस तड़प रही महिला की, जो प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी महिला, उसकी मौत हो गई। बिल्कुल रविंद्र, लेकिन अगर इस पूरी खबर की हम बात करें तो इस पूरी खबर में ये चीजें निकलकर सामने आई थी कि जिस एम्बुलेंस को परिवार द्वारा कॉल किया गया था वो एम्बुलेंस अस्पताल के बाहर ही खड़ी थी, और जब एम्बुलेंस चालक से पूछा गया तो उसने ये कह दिया कि डीजल नहीं है एम्बुलेंस में, जिस वजह से वो नहीं जा सकता। ऐसे में एक आम इंसान करे तो क्या करे? अस्पताल की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया है, क्या कोई बयान सामने आया है, क्या अस्पताल अपनी गलती मान रहा है? और वो जो नर्स, वो जो सिर्फ ये झांसा दे रही थी कि वो नॉर्मल डिलीवरी महिला की करवा देगी, लेकिन उसी के अभाव में महिला ने दम तोड़ दिया, क्या उस पर कोई एक्शन लिया गया? काजल बता दूं, उस पर जब न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामजी वर्मा से इस पूरे मामले पर संपर्क किया गया तो उन्होंने वही जो हमेशा जवाब दिए जाते हैं, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आखिर ये जांच कर कार्रवाई, प्रभावी कार्रवाई पहले से होती तो ऐसी बात सामने नहीं आती और एक गरीब परिवार उजड़ने से बच जाता। जो महिला जिसकी मौत हुई है उसका एक 7 साल 8 साल का बच्चा है, अब दूसरी डिलीवरी उसकी थी, परिवार पूरा उजड़ चुका है, घर में कोहराम मचा हुआ है, अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, लगातार कोई शिकायत आती है तो वही रटा रटा है जवाब देकर। बिल्कुल, और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल ये जो मामला है वो बाराबंकी से सामने आया है और बाराबंकी में लगातार ये कहा जा रहा है कि वहां पर जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन क्या सिर्फ ये कागजों में किया जा रहा है, क्योंकि जमीनी हकीकत तो इस मामले से उजागर हो रही है। देखिए, जब न्यूज इंडिया की टीम ने सीएमओ से, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, इस पूरे बाबत जो जानकारी इकट्ठा करने की बात की गई उससे बात की तो उन्होंने यही बताकर केवल पल्ला झाड़ लिया कि जांच की जा रही है, जो भी दोषी होंगे, जो जांच में नाम सिक्किम निकल कर सामने आएंगे। आखिर वो एम्बुलेंस को वहां पर खड़ी थी, उसी एम्बुलेंस की इवेंट जा रही थी कि या वो एम्बुलेंस पहले से ही खराब थी या डीजल नहीं था, वो वहां पर खड़ी थी। कभी कभी ऐसा होता है कि एम्बुलेंस कोई अस्पताल में होती, दूसरी एम्बुलेंस खराब हो जाती तो उसको अस्पताल में खड़ा कर दिया जाता है और परिजन समझते हैं ये एम्बुलेंस खड़ी तो जा सकती है, लेकिन पहले से तकनीकी खराबी की वजह से हो सकता है वो वहां से खड़ी हो। तो इस पूरे मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच की बात कही है, जांच के बाद यहां प्रभावी कार्रवाई की यहां पर निर्देश दिए गए हैं जो भी हो। बिल्कुल रविंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बाराबंकी का ये पूरा मामला है
और ऐसा अस्पतालों में अक्सर हमें देखने के लिए मिलता है, जहां पर कई बार एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है लेकिन उसके बावजूद भी गरीब परिवारों को एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है। कई बार वो निजी वाहन से पहुंचते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। अस्पतालों की भी लापरवाही लगातार सामने आती है। फिलहाल अस्पताल के जो सीएमएस होते हैं, जो सीएमओ होते हैं, वो अपनी बात से, अपने बयानों से मुकरते हुए नजर आते हैं और हिलावाली करते हैं। लेकिन ऐसे में एक गरीब परिवार की महिला जिसकी मौत हो गई, जिसका एक मासूम बच्चा भी है, आखिर उस बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा, ऐसे तमाम सवाल हैं जो सामने खड़े होते हैं। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है लेकिन इंसाफ कब तक मिल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। और हमारी अगली खबर जो है वो बरेली से है। कब रुकेगा जबरन धर्मांतरण? तमाम मामले उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी कानपुर से एक मामला सामने आया जिसका जिक्र लगातार हम अपनी खबरों में करते हैं। दरअसल बरेली से एक बार फिर एक धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, जहां एक बीए की छात्रा का अपहरण कर उसका जबरन धर्मांतरण करवा दिया गया। छात्रा 5 अगस्त से लापता है और पुलिस को अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। वहीं दूसरी ओर अब छात्रों के परिजन पर भी धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा है और धर्म परिवर्तन नहीं करने पर गांव से निकालने की धमकी दी जा रही है। रिपोर्ट देखें। एसएसपी ऑफिस में रो रो कर मीडिया को आप बीती बताते ये वही बुजुर्ग माँ बाप हैं जिनकी बेटी को मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग अपहरण कर ले गए। छात्रा के माँ बाप ने बताया कि उनकी बेटी 5 अगस्त को कुछ सामान लेने के लिए बाजार गई थी और वहीं से कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया, जिसके बाद एक रजिस्ट्री आई जिसमें बताया गया कि तुम्हारी लड़की का दरगाह आला हजरत पर धर्म परिवर्तन करवा दिया गया है। छात्रा के माँ बाप का ये भी आरोप है कि आरोपी युवक के मिलने वालों ने उन्हें धमकी दी है कि अब तुम लोग भी इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मेरी लड़की मार्केट में साई में सौदा लेने गई थी, वहीं से अगवा करके ले गए हैं मुसलमान लोग और धर्म परिवर्तन करा दिया और FIR 5 तारीख को पुलिस ने नहीं लिखी, 6 तारीख को मुकदमा कायम हुआ है मेरा। फिर बताया गया है कि लड़की का धर्म परिवर्तन हो गया है, उसने CB गंज डाकखाने से रजिस्ट्री भेजी है थाने के लिए, हम लोगों को नहीं भेजी है, और कि हमने जब उसका धर्म परिवर्तन करा लिया, हमने इससे आला हजरत से निकाह कर लिया है, और हमको कल 10 तारीख में शाम को 11 बजे अतर भाई भूतपूर्व चेयरमैन के बेटे हैं बड़े, उन्होंने बुलाया और कहा कि अगर आप लड़की को भूल जाओ और लड़की को नहीं भूलोगे या तो पलायन कर जाओ, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को जन बच्चा से हम खो देंगे। मेरी लड़की को अगवा कर लिया गया, किडनैप, घरेलू सामान लेने बाजार गई थी, हम थाने गए कि मेरी लड़की को अगवा कर लिया गया है, तो पहले तो मेरी रिपोर्ट ही नहीं लिखी, पुलिस मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज 6 तारीख को मैंने मुकदमा लिखवाया था और अभी तक मेरी बेटी नहीं मिली है। वहीं इस मामले में शाही थाने में धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। SP ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल का कहना है कि छात्रा की बरामदगी के लिए कई टीमें प्रयास कर रही हैं और जल्द ही छात्रा का पता लगा लिया जाएगा। थाना शाही में श्री आत्मानंद रस्तोगी जी ने अपनी पुत्री को कस्बे के ही 2 लोगों द्वारा अपहरण करने के संदर्भ में और एक अन्य अज्ञात के संदर्भ में थाना शाही पर 366, 354 व धर्म परिवर्तन अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया है। इस संदर्भ में जो है एक पत्र भी हम लोगों को जरिए डाक प्राप्त हुआ है और उस पत्र से भी उनके परिवार वाले भी रूबरू हैं। अपहर्ता की बरामदगी के लिए हम लोगों ने 3 टीमें लगाई हैं, सर्विलांस टीम का भी हम लोग पूरा उपयोग कर रहे हैं, कुछ लोकेशंस भी हम लोग ट्रेस किए हैं, उन लोकेशंस पर भी हमारी टीमें गई हैं और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर भी हम लोग लगातार पूछताछ कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि पिछले कुछ समय से प्रदेश में एक के बाद एक जबरन धर्मांतरण कराने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार अब कोई भी सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी वो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो चाहे बरेली हो, कानपुर हो, मेरठ हो,
तमाम धर्मांतरण की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, तमाम मामले सामने आ रहे हैं। बात तो की जाती है कि एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन एक्शन लेने के बावजूद भी इन दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बरेली में इस छात्रा का किडनैप किया गया, उसके बाद उसका जबरन धर्मांतरण कराया गया है। मेरे सहयोगी पवन मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पवन, ये पूरा मामला कब का है और क्या छात्रा बरामद हो पाई है? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला थाना शाही क्षेत्र का है और 5 तारीख को बीए की छात्रा अपने घर से कुछ सामान लेने बाहर गई थी, उसी बीच कुछ दबंग प्रकार के युवकों ने उसका अपहरण कर लिया और उसका धर्मांतरण करा दिया। और कुछ ही दिन में घर पर एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है कि आपकी बेटी का धर्मांतरण करा दिया गया है और आप लोग भी अपना धर्म परिवर्तन कर लें। और धर्म परिवर्तन ना करने की स्थिति में उनको घर से पलायन करने की धमकी दी जा रही है। जी बिल्कुल पवन, पुलिस के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि धर्मांतरण की खबरें बरेली से लगातार सामने आ रही हैं, क्योंकि पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी अगर जुलाई की बात की जाए और जून की बात की जाए तो तमाम मामले बरेली से सामने आए हैं। जी, आपको बताना चाहूंगा, पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है और धर्मांतरण मामले के तहत एक मुकदमा थाना शाही क्षेत्र में कर लिया गया है, दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने अपनी टीमें लगाकर लड़की की तलाश जारी कर दी है। बिल्कुल पवन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बरेली का एक पूरा मामला है जहां पर अपहरण कर छात्रा का जबरन धर्मांतरण कराया गया है, जिसके बाद परिवार जो है वो लगातार थानों के चक्कर काट रहा है। इंसाफ कब मिलता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में जो धर्मांतरण के मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इन दबंगों पर कार्रवाई कब तक होती है ये देखने वाली बात है। तो बरेली का ये पूरा मामला है जहां पर एक छात्रा का अपहरण किया गया, उसके बाद उसका जबरन धर्मांतरण कराया गया है, जिसके बाद परिवार जो है उनको भी लगातार धमकियां मिल रही हैं। गाजियाबाद में लगातार एटीएम फ्रॉड पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशों के बावजूद आखिरकार पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने एटीएम फ्रॉड करने वाले 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश के बड़े शहरों में से एक गाजियाबाद में एटीएम के जरिए फ्रॉड करने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। ऐसे में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी कि कैसे भी जल्द से जल्द इन जालसाजी की घटनाओं को रोका जा सके, जिसके लिए पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया और मुखबिर की सूचना पर ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को धर दबोचा। ये आरोपी एटीएम के जरिए फ्रॉड किया करते थे। गौरतलब है कि गाजियाबाद के कई थानों में ऐसे कई पीड़ित पहुँच रहे थे जो ये तहरीर लेकर आ रहे थे कि उनके साथ एटीएम में फ्रॉड किया गया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों से की गई पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो एटीएम में पैसा निकालने आए लोगों के एटीएम कार्ड को फर्जी एटीएम कार्ड से बदल देते थे और उनके एटीएम कार्ड के जरिए उनके अकाउंट में पड़े पैसों पर सेंध लगाकर वहां से चंपत हो जाया करते थे। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से एक लग्जरी कार, जो कि एटीएम फ्रॉड कर कमाई गई काली कमाई से ही खरीदी गई थी, एक 315 बोर का तमंचा, एक कारतूस और हजारों रुपए की नकदी बरामद की है। साथ ही साथ इनके पास से अलग अलग बैंकों के लगभग 56 एटीएम कार्ड भी बरामद हुए हैं। इन्हें पकड़ना पुलिस के लिए एक चुनौती इसलिए भी थी क्योंकि इनमें से कुछ बदमाश दिल्ली के रहने वाले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में वारदात करने के बाद फरार हो जाया करते थे। पर पुलिस ने अपनी सूझबूझ और सतर्कता से कड़ी मशक्कत के बाद इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। इस मामले में हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने क्षेत्राधिकारी इंद्रापुरम अभय कुमार मिश्रा से खास बातचीत भी की है, सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने पुलिस ने 4 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कि एटीएम से फ्रॉड किया करते थे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे मौजूद है इंद्रापुरम के क्षेत्राधिकारी अभय जी। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पे। आपसे जानना चाहेंगे कितनी बड़ी कामयाबी है, एक चुनौती थी इन 4 को गिरफ्तार करना, क्या कहें? देखिए, शिकायत मिल रही थी कि कुछ लोग जो हैं उनके एटीएम उनके पास हैं और उसके बावजूद उनके पैसे निकल जा रहे हैं। जब इसकी पड़ताल की गई, सीसीटीवी फुटेज उटेज और तकनीकी सूचनाओं का जब संकलन किया गया तो ज्ञात हुआ कि 4 लोगों का एक गैंग है, जो अंकुर, ऋषि, सर्वेश और अरुण का,
इनके द्वारा जो एटीएम जिनमें गार्ड नहीं होते हैं वैसे एटीएम में ये लोग बुजुर्ग या तकनीकी रूप से भिज्ञ जो कम हैं उनके माध्यम से ये घुस के उनको टारगेट करते थे और उनका एटीएम बदल के और उनका पिन नंबर ज्ञात करके उसके माध्यम से ये अपना पैसा निकाल के और उनके साथ ठगी करते थे। इन चार लोगों को पकड़ने में कौशाम्बी पुलिस को अभी सफलता मिली है। सर, लग्जरी गाड़ी भी बरामद की गई है, उनकी गाड़ी है, किस तरीके से गाड़ी खरीदी गई है या गाड़ी चोरी की है, क्या प्रोफाइल है? देखिए, जो पूछताछ की गई तो पूछताछ में ज्ञात हुआ कि इन सभी चारों के मैक्सिमम के क्रिमिनल हिस्ट्री पुरानी है और बहुत दिनों से ऐसे कृत्य में ये लिप्त थे, पिछले 4-5 सालों से। उसी में ज्ञात हुआ कि अरुण कुमार के नाम से ये इको स्पोर्ट्स है जो उसके द्वारा इन्हीं इसी तरीके के फ्रॉड करके ये गाड़ी खरीदी गई। सर, एक पैसा होता है बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, क्योंकि कोविड का दौर है, वैसे ही लोग बहुत परेशान हैं और इस तरीके से एटीएम के द्वारा लुट जाना, कितने लोग आते हैं पीड़ित और किस तरीके से उन्हें न्याय मिलेगा, क्योंकि चार गिरफ्तार हुए हैं, क्या कोई ट्रैक किया गया है पीड़ित? देखिए, एक तो हमारे पास पहले से सूचना थी, जो बरामदगी है उसी में उनके साथ ठगी हुई थी, उनके एटीएम बदल के वो पैसे बरामद भी हुए हैं। इसके अलावा जितने एटीएम्स बरामद हुए हैं उनके अकाउंट की डिटेल ज्ञात करके उन संबंधित से बातचीत करके और ये ज्ञात किया जाएगा, अगर उनके साथ ठगी हुई होगी तो फिर उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, एक आखिरी सवाल, कितने एटीएम हैं, क्या क्या सामान बरामद किया गया? इनके पास से 56 एटीएम कार्ड्स बरामद हुए हैं विभिन्न बैंकों के, साथ में 18,000 के लगभग रुपए बरामद हुए हैं, एक गाड़ी बरामद हुई है और साथ में इनके पास से तमंचा भी बरामद। बस ये और बता दीजिए कि जो चार थे कहाँ से आते थे, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है, एक बड़ी चुनौती रहती है, गाजियाबाद यानी उत्तर प्रदेश की सीमा में अपराध होता है और दिल्ली की तरफ बदमाश भाग जाते हैं, तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती थी, ये लोग कहाँ के हैं? देखिए, इसमें से जो चार लोग हैं उनमें से कुछ लोनी छत में रहते थे, कुछ खोड़ा में रहते थे और कुछ दिल्ली में रहते थे। इन लोगों का एक पुराना गैंग था, पहले से ही ऑपरेट कर रहे थे। इन लोगों को सम्मिलित रूप से पकड़ने में कौशाम्बी पुलिस को सफलता। अपराधों पर लगाम आखिर कब? प्रदेश में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। प्रदेश सरकार और पुलिस भले ही प्रदेश में रामराज की बात कर रही हो, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। मामला कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र का है, जहां निजी काम से घर लौट रहे बीएसएफ के एक जवान पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वहीं सरेराव इस घटना से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। पूरी घटना क्या है, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। प्रदेश की पुलिस और सूबे के मुखिया भले ही अपराधों पर अंकुश लगाने की बात कर रहे हों, लेकिन प्रदेश में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी लगातार घटनाओं को अंजाम देते जा रहे हैं, तो वहीं पुलिस महज जांच की थपली बजाती नजर आ रही है। सोचने वाली बात यह है कि देश की सुरक्षा करने वाले ही जब सुरक्षित नहीं है तो आम इंसान का क्या होगा। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात की, जहां अपराध का ग्राफ हर दिन नई ऊंचाइयों को छूता नजर आ रहा है। ताजा मामले में छुट्टी पर घर आए बीएसएफ के एक जवान को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया। कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र के रहने वाले शैलेंद्र सिंह बीएसएफ में एक सिपाही के पद पर तैनात है और छुट्टियों के चलते वो अपने घर पर आए हुए थे। सूत्रों की माने तो पुरानी रंजिश के चलते पास के गांव में ही कुछ दबंगों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना भी ऐसी कि इलाके के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। घटना उस वक्त घटी जब शैलेंद्र सिंह अपने किसी निजी काम से बाजार गए हुए थे। समय की बात करें तो रात के करीब 9 बज रहे थे और शैलेंद्र बाजार से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान शैलेंद्र सिंह की बाइक को रोक कर कुछ बाइक सवार बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस दौरान शैलेंद्र सिंह ने अपने आप को बचाते हुए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन कई राउंड चली गोलियों में से एक गोली ने शैलेंद्र सिंह को अपना निशाना बना लिया। वहीं इस इलाके में गोलियों की गूंजती आवाज को सुनकर स्थानीय लोगों को इकट्ठा होने में देर नहीं लगी, जिन्हें देख कर बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। पता नहीं, ये नाम में मेरे भाई के सलीम को और सलीम को मोड़ पे कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारी। वहीं घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने घायल जवान शैलेंद्र सिंह को प्राथमिक उपचार के लिए सिकंदरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक देख
डॉक्टर्स ने उन्हें अकबरपुर माती जिला अस्पताल रेफर कर दिया। आज तो से करीब औरत से एक पेशेंट आया था रेफर होके, उसकी गलफा की बीमारी थी, राइट साइड ऑफ लेटरल चेस्ट में फ्रेश वन था, जिसे लगातार उसकी घटना हुई, उसका डिटेल हमने नहीं पता किया, सांस लेने में हल्की सी दिक्कत थी और एक्सरे एडवाइस किया गया था पीएससी राजकोट से, और उन्होंने उसको तत्काल इमरजेंसी सुविधा के लिए हमें रेफर किया। वहीं पीड़ित ने गोली चलाने वाले बदमाशों में से कुछ लोगों को पहचान लिया है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है और शक के आधार पर पीड़ित द्वारा लिए गए नामों की जांच कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अपराधियों के हौसलों के आगे पुलिस इतनी बौनी साबित क्यों हो जाती है? आखिर कब तक अपराध का ग्राफ बढ़ता रहेगा और पुलिस यूं ही जांच का ढोल पीटती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। महिला सुरक्षा की बात करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस खुद ही आए दिन महिलाओं से बदसलूकी करती नजर आती है। ताजा मामला झांसी से सामने आया, जहां एक दारोगा ने फरियाद लेकर थाने पहुंची एक महिला से बदसलूकी कर यूपी सरकार के दावों की धज्जियां उड़ाई हैं। हालांकि मामले में एसएसपी ने दारोगा को सस्पेंड कर दिया है। मामला झांसी के थाना प्रेमनगर का है, जहां तैनात दारोगा संदीप यादव ने फरियादी महिलाओं के साथ बदसलूकी की। वही फरियादी के बेटे ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद से ही वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और लोग दारोगा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये महिलाएं जमीनी प्रकरण के मामले को लेकर थाने में पहुंची थी, जहां पर दारोगा बदसलूकी करते नजर आए हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आप कह सकते हैं कि जिनसे हम लगातार इंसाफ की गुहार लगाते हैं, वो ही महिलाओं के साथ लगातार बदसलूकी कर रहे हैं। यूपी के झांसी का ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जिसने भी इस वीडियो को देखा गुस्से में, उसने यही कहा कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और दारोगा पर एक्शन लिया जाना चाहिए। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खास खबरों में इतना ही। आप बने रहिए इस वर्ल्ड इंडिया के साथ।